हाँ जी, तो मेरे हाथ में है सीए इंटर ग्रुप टू का एफएम और एसएम का पेपर, और जो पहली लाइन आईसीआई के लिए है कि आईसीआई ने दिखा दिया इस वाले पेपर के थ्रू कि क्यों सीए एग्जाम्स को ऑल इंडिया लेवल पे जो भी कॉमर्स के एग्जाम है उसमें वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम कहा जाता है। सीधे सीधे कुछ सवाल है बच्चों की कि क्या पेपर लेंदी था, दूसरा सवाल क्या पेपर डिफिकल्ट था, तीसरा सवाल कि अब जो हो गया आगे क्या करे, इन तीनों सवालों के जवाब मैं दूंगा। लेकिन एक बार बस उन बच्चों से मैं पूछना चाहता हूँ, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन-कौन से बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एफएम के बेस पे गए थे, क्योंकि ये पेपर आपका एफएम और एसएम मिला के था। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा बस एफएम 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 एफएम, इस बार उन्होंने एफएम को ट्रिकी कर दिया और एसएम को बहुत सिंपल दे दिया। तो बहुत सारे बच्चे जो सिर्फ एफएम के बेस पे पेपर में गए थे उन्हें लग रही होगी पास होने में भी डिफिकल्टी की, पता नहीं पास होंगे या नहीं होंगे। लेकिन जो बच्चे एसएम को भी कॉन्फिडेंटली फॉलो करके गए थे उन बच्चों के लिए मेरे हिसाब से कोई भी परेशानी नहीं आई होगी इन टर्म्स ऑफ कि पास होना है या नहीं होना है। कुछ चीजें इस वीडियो में बताऊंगा कि जब जब मुश्किल पेपर आते हैं तो आईसीआई चेकिंग कैसे करती है, लीनियंसी करती है, स्ट्रिक करती है, बहुत सारी चीजें हैं आपके लिए बताने के लिए। पेपर का एक क्विक रिव्यू भी दूंगा कि कौन-कौन से क्वेश्चन किस-किस तरीके से सॉल्व हो जाने चाहिए थे, और अगर आपको चाहिए कि इस पेपर का मैं पूरा डिटेल्ड सॉल्यूशन एक-एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट का लेके आऊं तो वो भी बताइएगा, वो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आप भी ऐसे बच्चे हैं जो एफएम के भरोसे ही गए थे तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा व्हाट नेक्स्ट में आपके लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इन केस आप ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ ऑडिट और खाली एफएम एसएम का ही पेपर दे रहे थे उनके लिए भी काफी सारी चीजें हैं मेरे पास, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। करता हूं फटाफट से, जल्दी जल्दी से आपको जवाब दूंगा, क्या पेपर लेंदी था? आंसर इज यस, वेरी लेंदी। और जो क्वेश्चन आपका पहला वाला, जैसा कि मैंने मेजॉरिटी बच्चों से पूछा, जितने मेरे एग्जाम सेंटर में बात हुई उससे ज्यादा मेरी ऑनलाइन वाले बच्चों से बात हुई जो ऑनलाइन जो क्लासेस लेते हैं, उन्होंने बताया कि लेंदी इस तरीके से कहा था कि जो केस बेस्ड वाला क्वेश्चन था वो उन्होंने पूछा था कैपिटल स्ट्रक्चर से, प्लस इंडिफरेंस पॉइंट का एक ऐसा क्वेश्चन था जिसकी जो न्यूमेरिकल टर्म्स जो इक्वेशन बन रही थी वो सॉल्व ही नहीं हो रही थी। जो फेस टू फेस वाले बच्चे उन्होंने भी मुझे कुछ चीजें बताई, तो वो कहते थे कि अगर इस क्वेश्चन में एक घंटा भी लगा दे कोई तब भी चारों आंसर में से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा था मेजॉरिटी क्वेश्चंस में। तो मेरे हिसाब से आईसीए ने जो गेम किया है वो किया है केस बेस्ड के अंदर, डिस्क्रिप्टिव के अंदर हाँ कुछ पार्ट ऐसा था जो आसानी से सॉल्व किया जा सकता था और कुछ पास उसमें भी एक एक पॉइंट में उन्होंने ट्रिक डाल दी, जैसा कि कहीं भी स्टडी मटेरियल के अंदर नहीं है। दूसरा, क्या पेपर डिफिकल्ट था? आंसर इज यस, मोर देन एवरेज, मतलब अबव एवरेज पेपर था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ साइकोलॉजिकल पेपर उन्होंने जरूर बनाया कि स्टार्टिंग में जिस जिस बच्चे ने पहले पॉइंट में ही केस बेस उठा लिया होगा तो उनको आई होगी बहुत ज्यादा परेशानी टाइम मैनेजमेंट में, एफएम का पेपर करे एसएम का पेपर करे उनका काफी पेपर छूट भी गया होगा जहां तक मुझे लगता है। तो व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या करें? आपको इन जनरल कोई भी एडवाइस लेने की जरूरत नहीं है किसी से कि आगे क्या करें, आपको खुद पर्सनली पता होगा कि आपके पेपर कैसे गए हैं और आगे क्या करना है। अगर आपके पेपर पास होने लायक गए हैं तो आप पार्टी कीजिए, और अगर आपके पेपर गए हैं थोड़े से भी खराब तो मैं आपके लिए सेप्टेंबर अटेम्प्ट के लिए पूरी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। अगर किसी भी बच्चे ने इस अटेम्प्ट में पेपर किया है बस उसको क्या करना है, सिंपल सी बात समझिएगा, एक नंबर मैं आपको हर एक वीडियो में प्रोवाइड करता हूं, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा और अपना एडमिट कार्ड साथ में व्हाट्सएप करिएगा कि हाँ मैं एक ऐसा बच्चा हूं जिसने इस अटेम्प्ट में पेपर दिए हैं। तो जिन जिन बच्चों ने ऑलरेडी क्लासेस परचेज की हुई थी किसी भी टीचर से और पेपर अब खराब गए हैं, आगे का जो रास्ता है उनके लिए हो जाता है मुश्किल, क्योंकि क्लासेस होती हैं बहुत ज्यादा महंगी महंगी और आगे वो कोचिंग अफोर्ड कर नहीं पाते, अमेंडमेंट्स आ जाती है और वो रिदम टूट जाता है पढ़ाई का। तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे अपना नाम, अपना स्टेट और अपना कोर्स और अपना एडमिट कार्ड और अपनी क्वेरी, आई कैन गारंटी यू आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा मैं, लेक्चर्स के थ्रू होगी, गाइडेंस के थ्रू होगी, मेंटरशिप के थ्रू, जैसे भी होगा, जरूरी नहीं कि आपके पैसे ही लगेंगे उसमें, आप बस अपनी प्रॉब्लम शेयर करिएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व हो जाए। इस समय पे आपको चाहिए कि आपके माइंड जो कह रहा है कि पेपर कैसे गई है उसे किसी से शेयर कर सके, थोड़ी सी मेंटरशिप ले सके अदर देन योर फ्रेंड्स की, आप इस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। और अपनी क्वेरी जरूर लिखिएगा कि आपकी क्वेरी क्या है, आपका पेपर को लेकर कैसा है। आगे कुछ दिनों तक मैं इस नंबर
पर ऑपरेट करूंगा। चाहे आपको क्लासेस बाय करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए मेंटरशिप की, नई सर थोड़ी चीजें थोड़ी थोड़ी गाइड कर दो, एक आध चैप्टर आपको चाहिए जिसमें प्रॉब्लम है, हमेशा से प्रॉब्लम रही है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। तो जिन भी बच्चों के आगे वाले पेपर जो है गड़बड़ गए हैं, प्लीज इस नंबर पर रेफर करिएगा। फुल फ्लेश क्लासेस चाहिए, फास्ट ट्रैक बैचेस चाहिए, फ्री में एक दो चैप्टर चाहिए, सब आपको अवेलेबल करा दूंगा मैं। ये है मेरा व्हाट नेक्स्ट प्लान उन बच्चों का, सिर्फ जिनका पेपर खराब गया है। और कुछ चीजें मिलने के लिए आपको अपना एडमिट कार्ड जो वहां पर लेके गए वो सेंड करना पड़ेगा, तभी कुछ प्राइजेस जो कि बहुत डाउन है वो दिए जाएंगे आपको। और दूसरा, अगर एक दो चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए आगे मैं बताता हूं वीडियो में कि कुछ पेपर कैसा था, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे पेपर जो पहला वाला क्वेश्चन था वो था रेशियो से, बहुत सारे बच्चों को इसमें परेशानी आई होगी। और परेशानी क्यों आई, वो इसलिए आई कि उन्होंने कहा ऑपरेटिंग रेशियो गिवन था और काफी सारे बच्चों ने बोला कि सर ईबीआईटी निकालने में परेशानी आई। तो नालायको, इसमें ईबीआईटी को ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोला जाता है। ये बच्चे काफी सारे भूल गए इस बात को और लगे हुए हैं इस क्वेश्चन में आधे घंटे तक कि भाई साहब हम निकाल तो रहे हैं लेकिन ईबीआईटी नहीं निकल रहा। ये जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही ईबीआईटी बोलते हैं। तो यहां पर मेरे ख्याल से काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी। जो सेकंड क्वेश्चन था वो आसान क्वेश्चन था, लिवरेज का क्वेश्चन था। और मेरे हिसाब से जो परसेंटेज वाले फॉर्मूले थे, अगर आपको चाहिए कि मैं डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं इसमें, तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बहुत जल्द इसके डिटेल्ड सॉल्यूशन जो कि मैं नवंबर 23 के लिए भी लाया था, एक एक आंसर बिल्कुल बेस्ट तरीके से प्रेजेंट किया गया था उसके इसके अंदर, ऐसे ही मैं 2024 के लिए भी डिटेल्ड आंसर लेके आऊंगा। अगर गलती से भी किसी बच्चे के पास वो केस बेस वाला क्वेश्चन है, एमसीक्यू वाला, सोर्स मुझे पता नहीं, आप बस है तो बता देना, मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा, चाहे बाद में पुलिस पकड़ के ले जाए, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है तो आप मुझे भेजिए, मैं वीडियो सॉल्यूशन यहां पे बना के डालूंगा, बाकी आईसीआई क्या करेगी वो देख लेंगे बाद में। तो यहां पर उन्होंने कहा कि आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज निकालना है और आपको डिक्रीज इन ईपीएस बताना है, तो कंबाइंड लिवरेज से वो आप निकाल सकते हैं। तो दोनों तरीके से, अगर डिक्लाइन 15% है तो क्या होगा और 20%, तो मेरे हिसाब से सिंपल क्वेश्चन था और आई होप मेजोरिटी बच्चे ने इसे सॉल्व कर दिया होगा कि उसमें ट्रिक कुछ भी नहीं थी। आगे चलते हैं सी वाले पार्ट में। तो सी वाले पार्ट में जो डेटर कलेक्शन का जो पॉइंट है, रिसीवेबल मैनेजमेंट का जो पॉइंट है, क्वेश्चन ओवरऑल बिल्कुल सिंपल था लेकिन इसमें एक कैच था, जरा ध्यान से बता दूं। मैंने अभी एमसीक्यू वाली एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने एमटीपी 1 को सॉल्व कराया था, अगर बच्चों ने वो वीडियो देखी है तो। एमटीपी 1 में जो पहला क्वेश्चन था केस बेस्ड वाला, जो एमसीक्यू वाला पहला कोई केस बेस्ड वाला था, उसमें मैंने फैक्टरिंग वाला पॉइंट आपको सॉल्व कराया था और इसमें भी फैक्टरिंग वाला ही क्वेश्चन, लेकिन बच्चों को जो प्रॉब्लम आई वो इस एडवांस वाले पॉइंट को लेकर गलती कर रहे होंगे मेजॉरिटी बच्चे। अगर आपने भी यही की है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस वाले पॉइंट को भी सॉल्व किया जा सकता था। क्या सॉल्यूशन होगा, क्या आंसर होगा, उस पर मैं आज बिल्कुल डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, बस एक पेपर का ओवरव्यू बता रहा हूं आपको कि कहां कहां बच्चा फंसा होगा। सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट करिएगा, पक्का सॉल्यूशन वीडियो लेके आऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था सेकंड का ए पार्ट, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से था। कई सारे बच्चों ने जिससे मुझे बोला कि सर ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, तो मैं बता दूं कौन सा वाला पार्ट बच्चों ने बोला कि समझ में नहीं आया। देखिए, एक तो ये वाला पार्ट जो कन्वर्टेबल डिवेंचर वाला पार्ट था, शायद ये वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आया होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा, कई सारे बच्चे कह रहे कि सर इसका समझ में नहीं आया, क्या करना है। तो ये आपका सीएपीएम अप्रोच से कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का फॉर्मूला था। KE इज इक्वल टू आपको यहां पर रिस्क फ्री रिटर्न जो कि ट्रेजरी बॉन्ड्स गवर्नमेंट के रूप में दिया था 16% करना था। और कई सारे बच्चे क्या गलती करके आए हैं, इसको 8-6 करके आए हैं, जबकि वो ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, प्रीमियम। तो आई होप आपने ये सिर्फ और सिर्फ 8% ही किया होगा और इसी को मल्टीप्लाई करना था आपके बीटा से 1.54 से, जो अमाउंट आएगी वो आपकी KE आएगी। दो प्रॉब्लमेटिक एरिया थे, शायद आपको अब समझ में आ गया होगा। बताना मुझे आपने 8-6 किया था या प्रीमियम वर्ड दिया हुआ इसलिए 8 ही लिखा था। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लिवर्ड अनलिवर्ड आर्बिट्रेज प्रोसेस। मैंने एक आपको शीट दी थी, उसमें कहा था कि आर्बिट्रेज प्रोसेस में कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और काफी सारे बच्चों ने फ्री ऑफ कॉस्ट आर्बिट्रेज की प्रोसेस की वीडियो मुझसे ली भी थी। और आई कैन गारंटी कि अगर उन्होंने वो वीडियो देखी होगी, एक ही वीडियो में वन शॉट में मैंने पूरा आर्बिट्रेज प्रोसेस समझाया, तो और आपने आसानी से इसे सॉल्व कर दिया होगा। हालांकि कई बार सारे बच्चे ऐसे जो आर्बिट्रेज सदा से जीवन निकल गए लेकिन आर्बिट्रेज समझ में नहीं आया, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा, उसके बाद मुझे बता दीजिएगा कि आर्बिट्रेज का क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा और एक घंटे से कम की वीडियो में पूरे आर्बिट्रेज की ऐसी प्रैक्टिस होगी आपकी कि कभी परेशानी नहीं आएगी। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन से। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्वेश्चन कहां से था ये दिखाता हूं मैं आपको। देखिए, ये एक ऐसा क्वेश्चन था जिसमें जिसकी जो ड्राफ्टिंग थी वो कुछ इस तरीके से थी कि एक मशीन हमने यहां पर परचेज की थी, मतलब नई मशीन परचेज की थी, थोड़े टाइम चलाने के बाद जबकि उसकी रिमेनिंग लाइफ कुछ नंबर ऑफ इयर्स बची हुई है, यहां पर जाकर हम सोच रहे हैं कि क्या हम नई मशीन ले ले, मतलब रिप्लेस कर दे इसको, या ओल्ड वाली को चलाएं। तो
ऐसे क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो आपको एग्जाम में लगा होगा डबल टाइम और उसमें भी परेशानी आई होगी, जबकि ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। अगर मैं जिस बुक से हम पढ़ाते, जो हमारी बुक है, उसमें ऐसे कितने क्वेश्चन है वो दिखाता हूं मैं आपको, देखिए जरा ध्यान से। ये कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन है और हमारे पास ऐसे कितने क्वेश्चन है वो दिखाता हूं मैं आपको। जैसे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कंपनी एक्सपेंडिंग कर रहे हैं ऑपरेशन को, एक ओरिजिनल प्लांट है उनके पास, लाइफ 10 साल है लेकिन रिमेनिंग लाइफ 5 साल है, सेल्वेज वैल्यू ये है, मशीन को आगे भी चला सकते हैं आप, रिप्लेस कर सकते हैं और उससे रिलेटेड कॉस्ट यहां पर गिवन है। एक क्वेश्चन ये रहा हमारे पास इस तरीके से, और आगे दिखाता हूं मैं और कितने क्वेश्चन है हमारे पास ऐसे जो कि बिना किसी परेशानी के बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होंगे। एक सेकेंड, देखिए 10 साल की इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू है जो कि जीरो पे आ चुकी है और इसे 10 साल और भी यूज किया जा सकता है, आगे जाके क्या होगा। ऐसे ही बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, मशीन परचेज की थी हमने कितने इयर्स बैक, जरा ध्यान से देखो, 6 इयर्स अगो हमने एक मशीन परचेज की थी जिसकी टोटल लाइफ जो है 15 साल है, मतलब रिमेनिंग कितने साल बच गई है, 9 साल बच गई है और उसे रिप्लेस करने का ऑप्शन दिया गया है अगले 9 साल के लिए, ऑपरेटिंग कॉस्ट इतनी होगी, नई मशीन इतने की पड़ेगी, स्क्रैप वैल्यू इतनी होगी। तो बिल्कुल अगर बच्चों ने ऐसा क्वेश्चन करके गए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन फैमिलियर लगा होगा कि हाँ हमने ये क्वेश्चन किया। अगर नहीं करके गए ऐसे क्वेश्चन, हमारी बुक में ऐसे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस के बाद शायद बच्चा इसको आसानी से कर सकता है। फिर भी कुछ लाइन पढ़ाता हूं कि बच्चों ने क्या किया होगा। उन्होंने कहा मशीन की जो बुक वैल्यू है वो 480,000 की है आज, लेकिन आज ही बेचेंगे, रिमेनिंग लाइफ जो है 6 इयर्स की है, वहां पर भी 6 इयर्स वाला एक क्वेश्चन था, और अभी अगर बेचेंगे तो 180,000 की बिक जाएगी, इसका मतलब आपको होने वाला है इसमें 3,00,000 रुपए का लॉस। कई सारे बच्चे कह रहे सर हमारा तो प्रॉफिट आया था, नालायक को वो नई मशीन को बेचने के बाद जो स्क्रैप वैल्यू से आप कंपेयर कर रहे होगे वो पता चल रहा होगा आपको कि नई मशीन में लॉस आया प्रॉफिट आया। ये ओल्ड मशीन के लॉस और प्रॉफिट की बात की जा रही थी नीचे, जिसमें कहा था कि इग्नोर करना है लॉस पे होने वाला टैक्स। तो यहां पर 3,00,000 का लॉस होने वाला था, लॉस होता है तो आपका जितने भी टैक्स रेट का परसेंटेज गिवन है 30%, तो 3,00,000 का 30% निकालेंगे तो 90,000 आपकी टैक्स की सेविंग थी जिसकी ट्रीटमेंट आपको नहीं करनी है। देखो नीचे लिखी है वो बात, इग्नोर टैक्स सेविंग ऑन लॉस ऑफ डेट ऑफ एग्जिस्टिंग मशीन। अब कई सारे बच्चे क्या कर रहे होंगे, यहां तक क्वेश्चन पढ़ा तो यहां तक सॉल्व कर दिया, आगे क्वेश्चन पढ़ा तो आगे तक सॉल्व कर दिया, वो फंस गए होंगे इसमें, क्योंकि ट्रीटमेंट तो वही होता है कि 90,000 के लॉस में से टैक्स सेविंग हो जाती है, लेकिन यहां पर आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं दिखाना था। उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन था कि मशीन भी इतने की आएगी, लाइफ 6 साल है, 140,000 इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए जो कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, 60,000 टेस्टिंग के लिए चाहिए, वो भी इनिशियल एक्सपेंडिचर होता है तो वो भी ऐड हो जाएगा आपका, सब्सिडी 15% मिलेगी, जब मिलेगी तब इनफ्लो में ऐड करेंगे, सेल्वेज वैल्यू एट द एंड ऑफ 6 ईयर विल बी 3,20,000। आगे क्या होगा कि ये सेविंग कर रही थी एनुअल सैलरी में, तो ये आपकी इनफ्लो है, नई मशीन से आने वाली इंक्रीमेंटल इनफ्लो है ये आपकी, और इतना आप रिड्यूस कर लेंगे वेस्टेज वगैरह में, और इतना आप लॉस इन सेल में जो डिले की वजह से हो रहा था, ये सारे पॉइंट्स मिला के आपको एनुअल कैश की सेविंग हो रही थी इसमें। ऑपरेटिंग मशीन को जो है ट्रेंड टेक्नीशियन चलाएंगे, ये भी आपकी एडिशनल कॉस्ट है आपकी, और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाएगी, और 1,00,000 तो ये उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट है, ऊपर जो है उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स थे, और बस एक सिंपल क्वेश्चन था इसमें, मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ, कहां पर प्रॉब्लम आई होगी आपको इस वाले पॉइंट में, अगर आपने पढ़ा नहीं था तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी आपको इसमें सिंपल एनपीवी निकालना था और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना था और कोई भी परेशानी नहीं थी। हालांकि आप बोल सकते हो कि सर बाद में पढ़ के बोलने में बिल्कुल आसान है, पेपर में करने में, हाँ मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था कि पेपर साइकोलॉजिकली आईसीआर ने मुश्किल बनाया है, अपना वीडियो ने उठा के देखिएगा जो मैंने 3 आवर्स की एग्जाम स्ट्रेटेजी निकाली थी, उसमें पहले ही बोला था मैंने कि आपको वो वाला क्वेश्चन पहले नहीं करना है। ये कल की वीडियो में मैंने आपको जो एमसीक्यू 3 आवर्स एग्जाम स्ट्रेटेजी उठा के देखिएगा, उसमें मैंने पहले ही समझाया था कि केस बेस्ड का पहला क्वेश्चन पहले नहीं करना है, और मेजॉरिटी बच्चे वही गलती करके आए होंगे जिसकी वजह से टाइम मैनेजमेंट हुई होगी प्रॉब्लम और सिली एरर्स बढ़ गई होंगी जो क्वेश्चन आते हैं उनमें भी। बाकी एक छोटा क्वेश्चन था यहां पर, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना था और कुछ थियोरेटिकल क्वेश्चन थे यहां पर, और एसएम के बारे में कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, आप बताइएगा। मेजॉरिटी बच्चे तो यही करेंगे, एसएम की आसान तैयारी है। 3 चीजों पर मैंने आपको डिस्कशन किया है, कहां पर एंड करना है हमें इसे, यहां पर जरा ध्यान से देखिएगा। लेंदी था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, अबव एवरेज, क्योंकि स्टार्टिंग में ही गलती कर दी तो जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उसमें भी गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब बच्चे का दिमाग खराब हो जाता है कि एक भी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा। आगे क्या करना है ये भी मैंने आपको समझा दिया है, बहुत ही कम प्राइसेस पे चाहिए अगर आपको कुछ भी, या फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ चीजें चाहिए, एडमिट कार्ड जरूर शेयर करिएगा, कुछ दिन तक मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा। और नेक्स्ट टारगेट अगर आपने सोच लिया है कि ग्रुप 1 कैसे गए हैं, ग्रुप ये सभी बच्चों के लिए है, सेप्टेंबर अटेम्प्ट के लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए आप मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट भी ले सकते हैं। अगर लेक्चर क्लासेस चाहिए
तो बहुत कम प्राइसेस पे आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर दूंगा। तो अभी के लिए आपको क्या करना है भाई, एक दिन शांत रहना है, बहुत दिन आपने पढ़ाई कर ली है, ब्रेक लीजिए एक दिन दो दिन तीन दिन, लेकिन हाँ इन तीन दिनों में रिसर्च चालू रहनी चाहिए कि मेरा पेपर कैसा गया। और अगर आपको चाहिए कि सॉल्यूशन डालो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। पेपर हो गए हैं खत्म, एक दो दिन करिए आराम, एनालिसिस के लिए पूरा टाइम बचा है आपके पास, लेकिन ध्यान रखिएगा अगले जो पेपर है इस बार 6 महीने बाद नहीं, इस बार 4 महीने बाद है, तो तैयारी बहुत जल्द शुरू कर देनी पड़ेगी इनकेस अगर नेगेटिव जैसे पेपर गए हैं या सिर्फ आपने ऐसे ही पेपर दे दिए थे। तो चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, बहुत सारी वीडियो शुरू कर ली हमने, तो इंटरमीडिएट के लिए वीडियो को खत्म करते हैं। सितंबर अटेम्प्ट के लिए गाइडेंस स्ट्रेटजी बहुत सारी चीजें आपको इसी चैनल पे मिलेगी, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, और वीडियो आपको रिलेटेबल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा। थैंक यू सो मच।